गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज आज के अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा हेयर मास्क जो आपके डल डैमेज ड्राई बालों को एक ही बारी में रिपेयर कर देगा, उनको सॉफ्ट सिल्की स्मूथ स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो ये हेयर फॉल को भी स्टॉप कर देगा। डैंड्रफ का इशू है तो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन में आपके डैंड्रफ का इशू भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। इस मास्क को आप केमिकली ट्रीटेड बालों पर भी ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस मास्क को किस तरह से बनाना है और कैसे इसको अप्लाई करना है, और इसको अप्लाई करने के बाद हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस भी लेनी है। सो गाइस सबसे पहले हमें एक बोल में लेना है एक टीस्पून मेथी सीड्स। मेथी सीड्स आपको पता है ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हेयर फॉल रोकते हैं, डैंड्रफ को प्रिवेंट करते हैं, अगर बालों में हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम है, ड्राइनेस का प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करते हैं। कलौंजी वो भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। ऑनियन सीड्स बालों को प्रीमेच्योर ग्रेइंग से बचाती हैं, उसे रिवर्स करती हैं। साथ में मैं ले रही हूँ करी लीव्स। करी लीव्स तो अपने अमीनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण हमारे बालों के जो फॉलिकल्स होते हैं, जो रूट्स होती हैं, उनको स्ट्रेंथ देते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारे स्कैल्प को मॉइस्चराइज करते हैं, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं करी लीव्स। अब इन सब चीज़ों में एक कप पानी डालकर हम रात भर के लिए रख देंगे, जिससे कि उस पानी के अंदर ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से सोख हो जाएँ और उस पानी के अंदर इन सारी चीज़ों के न्यूट्रिएंट्स अच्छे से आ जाएँ। नेक्स्ट डे इन सारी चीज़ों को पानी के साथ हम गैस पर लो फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि ये पानी रिड्यूस होकर हाफ हो जाए। इसको गैस से उतार के हम ठंडा कर लेंगे और थोड़ा सा लेंगे हम एलोवेरा जेल। फ्रेश एलोवेरा जेल मैंने यहाँ पर लिया है। एलोवेरा इज़ वेरी वेरी गुड फॉर हेयर ग्रोथ। इसके अंदर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड होता है जो हमारे हेयर फॉल को इंस्टेंटली रोकता है और बालों में शाइन बढ़ाता है इसका विटामिन A, C and E। हमारी हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब इस सब को मैं मिलाकर मिक्सी में एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी और इस पेस्ट में मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून आंवला पाउडर और 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ ऐड किया है हिना पाउडर, मेहंदी पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करके अब हम इनको 2 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे कि हिना भी जो है वो एक्टिवेट हो जाए इन सब के अंदर और आंवला पाउडर का भी अच्छे से इसमें असर आ जाए। अगर आपको हेयर ग्रेइंग का इशू है और आप चाहते हैं कि आपके ग्रे हेयर जो है वो फिर से ब्लैक होने लगे, तो आप इस सारे मिक्सचर को 2 घंटे के लिए किसी लोहे के बर्तन में भी रख सकते हैं। 2 घंटे बाद आप इसे अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं और अपने बालों पर भी आपको इसे एटलीस्ट 2 घंटे के लिए लगाकर रखना है। 2 घंटे बाद आप नॉर्मल पानी से अपने बालों को रिंस कर दीजिए। इसे इंस्टेंटली शैम्पू से आपने वॉश नहीं करना है, आप नेक्स्ट डे शैम्पू लगाइए। जिस दिन आपने ये पैक यूज़ किया है, मास्क यूज़ किया है, सेम डे आप शैम्पू मत लगाइए, नेक्स्ट डे आप शैम्पू से अपने बालों को वॉश करिएगा। ये हेयर मास्क आपके बालों में शाइन लाता है, लस्टर लाता है, उनको स्मूथ एंड सिल्की बनाता है। अगर हेयर फॉल का इशू है तो वो बहुत जल्दी इससे ठीक होता है। सो गाइस ट्राई करिएगा इस वेरी इफेक्टिव हेयर मास्क को और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी हेयर, स्किन या हेल्थ रिलेटेड टॉपिक को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Oh,